Hi everybody, this is Shefali Chopra, your storyteller. And of course, Friday, right? Friday night, 10 o'clock. So here I am, कुछ न कुछ कहानियाँ किस्से लेके. So अब मुझे इंतज़ार है कि आप मुझे join करो. अरे वाह, ये हुई ना बात. कुछ लोग शायद बहुत ही कमाल हैं, बैठे होते हैं कि यार शिफाली आएगी, बातें सुनाएगी, किस्से सुनाएगी, और मैं तो उससे भी ज़्यादा. हाँ बिल्कुल, स्टोरी टेलर, राइट. हाय स्वर्लीन, हाय राखी, हाउ नाइस. आई वाज आल्सो वेटिंग टू सी यू गाइस. यार थोड़ी नर्वस हो रही थी आज, पता नहीं क्यों, मन में बहुत कुछ हलचल है, मुझे नहीं मालूम क्या चक्कर है, मगर है. सो मुझे भी इंतज़ार था कि 10 बजेंगे, कुछ ना कुछ बोलूँगी, और आज तो सच पूछो कहानी तो होती ही रहेगी. मगर आज सुबह ना राखी ने जो बात कही वो मेरे मन में बैठ गई. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, आई सेड बात तो सही करी है, क्यों ना दुनिया के साथ शेयर करूं. तो बस आज मैं वो सब दुनिया के साथ शेयर करने वाली हूं जो आज सुबह सुबह किसी ने मुझे कुछ सवाल किए थे. सो उसके जवाब भी हैं मेरे पास. हेलो अजय सर, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम. सो कुछ इंतज़ार कर लेते हैं 2-4 मिनट इससे पहले कि थोड़ा वो कारवान बनता रहे. तो यू नो इट्स अ नाइस फीलिंग कि 2-4 लोग आके मेरी बातें तो सुन लो यार. हाय इंद्रानी, हाउ नाइस टू सी यू. हाँ आमी तमालो बालो बाशी यार. इतना ही आता है मुझे, और कुछ नहीं आता बंगाली में, सच पूछो तो यही आता है, यही सीखा मैंने. हाय वीरेंद्र, ग्रेट. हाँ राखी मैम्स क्वेश्चंस, बिल्कुल तुमने सही समझा. आज वही सवाल मुझे सारा दिन खा रहे थे. मैं सोच रही थी इतने सारे सवाल, और पता नहीं किस मूड में मैंने आज सुबह सुबह से बेधड़क जवाब दे दिए. मगर फिर मैंने सोचा यार कुछ सोच के बोलती, मगर तुम्हें पता है ना बहुत सारी बातें मैं दिल से ही कर लेती हूँ बिना सोचे समझे. मेरा जो ये वाला माला है ना, ज़रा थोड़ा आस्ते आस्ते चलता है, और जो दिल वाला मामला है वो तो धड़ाधड़ चलता है. हाय ओमर, ओहो बिजी वी, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ मैं. देखो ऐसा होता है, जहाँ पे प्यार का कनेक्शन होता है ना, वहाँ पे तुम सब एक दूसरे को मिस करते हो. पता है क्या, बहुत देर से आज पता नहीं क्यों यार मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं. लोगों को तो कितनी सेंसिबल चीज़ों के आते हैं, मुझे पता है किस चीज़ के आ रहे हैं. मुझे आज पता है, मुझे आज आ रहा है वो एक पिक्चर थी, चलती का नाम गाड़ी. आज पता नहीं क्या हो गया, आज मैं बार बार वही गाना गा रही हूँ. सुनाऊँ क्या? देखो झेलना पड़ेगा, आई स्वेयर झेलना इसलिए पड़ेगा. हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना. ओ बाबा रे, चीन की बात मत करो, चीन की बात तो पूरी दुनिया कर रही है, कुछ गड़बड़ हो गई. देखो भाई माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो, मैं इतना अच्छा गाती नहीं हूँ, मगर ठीक है मन था मेरा आज पता नहीं क्यों वो चलती का नाम गाड़ी बार बार ख्याल आ रहा है मेरे. आज एक्चुअली सुबह सुबह की बात है, कुछ लोगों ने सवाल किए और मैंने भी कुछ जवाब दिए. सवाल तो बड़े इंटरेस्टिंग थे. सवाल ये थे कि भाई ये जो टीचिंग है, ये जो टीचिंग है ये खाली एकेडमिक ही क्यों है. तो मैंने कहा नहीं, एकेडमिक नहीं होता, टीचिंग का क्या है, ये एकेडमिक्स और टीचिंग का क्या कनेक्शन है. मेरा कहना तो ये है कि इंसान तभी से सीखना शुरू कर देता है जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है. वो कहानी तो आपने सुनी होगी, बड़ी पॉपुलर वाली, वो महाभारत वाली, वो अरे वही यार क्या था वो, क्या नाम था यार, अर्जुन का बेटा, अभिमन्यु, अभिमन्यु की कहानी. भाई उसने तो सीख लिया था, माँ के पेट में रहते रहते सीख लिया था कि भाई चक्रव्यूह कैसे बनाया जाए. अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सीख पाया उसको तोड़ा कैसे जाए. सो एक्चुअली देखा जाए तो हमारी तो लर्निंग वहीं से शुरू हो जाती है, मानो या ना मानो. तो मुझे लगता है जो ये एकेडमिक लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, ये तो रोज़ ही हम कुछ सीखते हैं. ज़िंदगी हमें क्या क्या सिखाती है कि नहीं,
जिंदगी में मेरे हिसाब से वी लर्न, वी अनलर्न एंड देन वी लर्न अगेन एंड वी कीप डूइंग दिस. इट्स लाइक अ प्रोसेस. सीखते हैं और फिर सोचते हैं कि फिर सोचते हैं, सीख लेते हैं नया कुछ और यूं ही ज़िंदगी कट जाती है. तो मेरे हिसाब से खाली क्लासरूम में जाने से, खाली स्कूल जाने से हम नहीं सीखते. ये भ्रम है हमारा. लाइफ इज़ अ लेसन, देर इज़ नो डाउट. बहुत 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 सीखते हैं हम इस ज़िंदगी से. हाँ, अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि आज जो मैंने पाठ सीखा है उसको मैं आगे कैसे फॉलो करूं. ये नहीं कि हम सीख के अनसीखा कर दें या सोचें, सीख के हमें आगे बढ़ना है. फिर दूसरा सवाल था भाई, कैन वी फील एंड एक्ट विद द सेम पेन टू टीच अ स्ट्रेंजर और टू टीच अवर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन. अच्छा, एक बात बताओ, आप कैसे समझ सकते हो कि ये मेरा अपना है और ये मेरा अपना नहीं है? ऐसे कैसे? हाँ, ये तो आप बड़ी सांसारिक बात करते हो कि ये मेरा अपना है. क्योंकि क्योंकि क्यों? क्योंकि दुनिया ने हमें ऐसा कह दिया, क्योंकि हम ऐसा समझने लगे कि ये मेरा अपना है. मगर ये दूसरा जो है, ठीक है, मेरे साथ नहीं रहता, मैं भी इसके साथ नहीं रहती, मगर ये मेरा अपना क्यों नहीं है? अपना है. ये एक फिल्टर होता है. ये अगर आप जैसे मेरे में तो ये फिल्टर है ही नहीं ना. एनी हाउ, मेरी बात छोड़ो, मेरे में ये फिल्टर बहुत सालों से नहीं है, है ही नहीं. मुझे समझ ही नहीं आता कि ये मेरा अपना है और ये मेरा अपना नहीं. मुझे तो बहुत जल्दी से वो हो जाती ना शिद्दत वाली, आज नहीं बोलूँगी, आज नहीं बोलूँगी, माफ़ करो, मेरा तो मजाक उड़ना शुरू हो गया भाई. ना ना. मगर हाँ, मेरा वो फिल्टर जेन्यूनली मिसिंग है. मुझे तो सारे ही अपने लगते हैं. जो थोड़ा प्यार से बात करे तो बस वो मेरा अपना हो जाता है. और एक छोटी सी बात याद आती है मुझे इससे. बहुत साल पहले मुझे किसी ने कहा कि यार ये तेरा अपना है वो, और वो अलग है. मैं समझ तो गई वो क्या कहना चाहते थे, मगर समझ नहीं आई क्योंकि मेरा वो फिल्टर मिसिंग है. मुझे लगता है कि कई बार आपके अपने तो अपने हैं ही, मगर पराए भी अपने बन जाते हैं. अब ये नहीं मालूम कैसे, शायद वो आपसे प्यार करते हैं, आपको टाइम देते हैं, आपको हंसाते हैं, आपको रुलाते भी हैं, मगर वो अपने बन जाते हैं. और आपको पता है ना वो कहावत है, दूर के रिश्तेदार वो जो आप चाहते कि थोड़े दूर ही रहें तो बेहतर है, तो वो वाली फीलिंग आ जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमारे मन में होता है. ये आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के लोग कितना ट्रांसफ़र जॉब्स में जाते हैं. बहुत लोग ऐसे जॉब में जाते हैं तो वो तो नहीं सोचते कि यार मैं किराए के घर में रह रहा हूँ और ये मेरा अपना घर नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये सब हमारी सोच है. जब तक, बल्कि आर्मी वाले लोग अपना घर बनाते हैं, वो पूरा दुनिया, पूरा इंडिया घूम चुके होते हैं, उनको तो नहीं लगता कि ये हमारा अपना नहीं है. हमारे में ये बैर क्यों है? हम क्यों इसको अलग अलग कर देते हैं और हमें लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट आर ओन. सो दिस इज़ द थिंग ऑफ आर माइंड कि ये मेरा नहीं है और ये मेरा है. सो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा अपना है, उतना ही अपना जितना हम उसको समझेंगे. द प्योरेस्ट हार्ट अंडरस्टैंड्स, स्वेलिन ने लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है. वाकई ये हमको अपना फिल्टर क्लीन करना है. फिल्टर रखो ही मत मेरी मानो तो, जहाँ तक जानो वो सब अपने. और कभी कभी अगर आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं, तो हो सकता है उस पर वर्क करो, उसको अपना बनाओ. कितना टाइम लगता है लोगों को अपना बनाने में? एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक छोटी सी बात, एक शायद मैं कह सकती हूँ लैंग्वेज, कुछ खाना पीना, साथ में गपशप,
अपनापन ले ही आती है, क्योंकि एक वो ही वाली घूम घूम के बाद कनेक्शन इज ऑल दैट मैटर्स। फिर तीसरी बात थी, इज टीचिंग लिमिटेड टू एनी एज और एनी बिल्डिंग? मुझे नहीं लगता, हम कभी भी जिंदगी में कभी भी सीख सकते हैं, और ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। मैं किसी को जानती थी, उसकी कहानी सुनाती हूँ। शांति, वो मेरी दादी की उम्र की होगी, ठीक है, और जब बैठती थी तो ऐसे बैठती थी, बच्चों के साथ बच्चा हो जाना और बड़ों के साथ बड़ा, और बच्चों के साथ ऐसे बात करनी जैसे हाँ 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 मैं सब समझती हूँ, चाहे समझे या ना समझे। तो बच्चों ने बोलना, अरे माँ हम इंग्लिश पिक्चर देख रहे हैं, आपको क्या मालूम? तो बोली, मालूम है क्या बोली? कहती है, ओहो मैनू समझ आंदा है, ए लव यू लव यू, मैं सब समझनी आ तो अड जा। क्या करोगे? बोला, अच्छा माँ बैठ जाओ। बैठ जाती थी, पिक्चर देखती थी, 10 मिनट पिक्चर देख के सो जाती थी। फिर कहती थी, ओहो की होया कुड़िए, अगे की होया, समझ कुछ नहीं आता था, मगर शी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी विद। डोंट यू थिंक इट वॉज ब्यूटिफुल? आई थिंक इट वॉज, आई रियली थॉट इट वॉज। आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, मगर वो बच्चों के साथ बैठना चाहती थी बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी, एंड आई रियली थॉट दैट वॉज ब्यूटिफुल इन डीड। सो मुझे लगता है कि जो ये लर्निंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं। इफ़ पीपल वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी, दे विल मेक एन एफर्ट टू डू सो, चाहे भाषा समझें या ना समझें। जिससे शांति देवी थी, समझ नहीं रही थी कि भाई दूसरा आदमी क्या कह रहा है, अंग्रेज़ी तो उन्हें एक चीज़ नहीं आती थी, काला अक्षर भैंस बराबर, मगर क्योंकि उनको बच्चों के साथ बैठना था और मज़ा करना था तो वो कर रही थी। और ये रियल लर्निंग है ज़िंदगी की, कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। आप अपने आप को ज़्यादा एजुकेटेड मान के अगर आप अपने आप को सेग्रीगेट कर दो कि आई नो इट ऑल, आई नो मोर देन देम, तो ऐसी एजुकेशन रह जाऊंगी अकेली। मुझे ये लगता है, अगर मैं सोचूं मैं तुम्हारे जैसी हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, कुछ तुमसे सीख सकती हूँ और कुछ तुम्हें सिखा सकती हूँ, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। पुराने के लोग, मेरी दादी मेरी नानी आपकी भी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे उस टाइप का, उन्होंने MBA BA ये सब नहीं किया था, और कई लोगों ने तो शायद बेसिक क्लास की होगी, मगर देखो उनको ज्ञान कितना था, ज़िंदगी का ज्ञान, कैसे वो सबको जोड़ लेते थे। वो खूबी थी जो आजकल के लोगों में नहीं है। हम लोगों को जोड़ नहीं सकते, नहीं जोड़ सकते। इनफैक्ट अगर सच पूछो तो हमारी एजुकेशन हम सबको अलग कर देती है। कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, कोई सोचता है मेरी अंग्रेज़ी उससे बेटर है, कोई सोचता है अरे ये तो हिंदी स्पीकिंग है, इससे क्या बात करूँ? क्यों, हिंदी स्पीकिंग लोग जो होते हैं क्या उन्हें कुछ नहीं आता? ये तो अंग्रेज़ी स्पीकिंग वाले लोगों का भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम, जो मैं तोड़ना चाहती हूँ, बड़ी शिद्दत के साथ तोड़ना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है, असली जज्बात उसी में निकलते हैं जिस भाषा को आप बहुत पसंद करते हो, चाहे वो कोई भी हो। आजकल जेन्युइनली एहसास की कमी हो गई है, लोगों को दूसरों का एहसास नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, लव नहीं है, केयर नहीं है। बातें हम बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, मगर जेन्युइनली क्या करते हैं? मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत दुनिया देखी है, जहाँ पे एक आदमी बहुत इन्वेस्ट करता है अपने रिलेशनशिप्स में, जैसे मैं बहुत इन्वेस्ट करती हूँ कि तुम में इन्वेस्ट करूँ, क्या मुझे वो इन्वेस्टमेंट इवन 20% वापस मिल रहा है? मैं आपको टाइम देती हूँ, क्या आप मुझे टाइम दोगे?
वहाँ पे रिश्ता ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म. वी कीप थिंकिंग अबाउट दिस ऑल द टाइम, वॉट एम आई गेटिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप व्हेन आई एम गिविंग यू सो मच. बट मुझे लगता है कि कभी कभी रिश्तों को छोड़ देना चाहिए. लेट इट बी, इफ़ ही इज़ मेंट फॉर यू ही विल बी देयर और शी विल बी देयर एंड देयर. इफ़ इट्स नॉट मेंट टू बी, आप जान प्राण भी दे दो तो कुछ नहीं होगा. सो ये सारी लर्निंग है और ये क्लासरूम के बाहर है, बिल्कुल क्लासरूम के बाहर. ये क्लासरूम के अंदर वाली कहानियाँ नहीं है. फिर एक क्वेश्चन था, टीचिंग डिफरेंट पीपल रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स एंड लेवल ऑफ पेशेंस एंड एम्पथी. ऑफ कोर्स, बिल्कुल. मैं बुद्धू स्टूडेंट हूँ, तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, तो हमारी टेक्निक सेम कैसे हो सकती है? हो सकता है तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो और मैं उतनी कॉन्फिडेंट ना हूँ, तो जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा है उसको टीचर क्या बोलेगा? उसको बोलेगा सबड्यू. और जो कॉन्फिडेंट नहीं होगा उसको बोलेगा अरे बेटा थोड़ा और बोलो. सो हर इंसान की लर्निंग अलग है, हर इंसान का पेस अलग है. सो द टीचर ऑल्सो हैज़ टू बी पेशेंट अकॉर्डिंगली. यू कैन नॉट ट्रीट एवरीबडी द सेम, यू कैन नॉट. इन अ क्लास देर आर अबाउट 40 चिल्ड्रन, बट एज अ गुड एजुकेटर, एज अ गुड टीचर, एज समबडी हु रियली वॉन्ट्स टू टीच अ चाइल्ड, यू हैव टू टेक देम इंडिविजुअली. यू हैव टू ट्रीट देम विद दैट लव, दैट रिस्पेक्ट, बट डिफरेंटली, वेरी डिफरेंटली. यू कैन नॉट ट्रीट एवरीबडी द सेम. तुम मेरे लिए खास हो, बहुत खास. हो सकता है मेरे लिए दूसरा वाला उतना खास ना हो, सो मैं उसको अलग से ट्रीट करूँगी ना. सिमिलरली, जब एक टीचर एक बच्चा अगर थोड़ा बुद्धू है, जैसे मैं हूँ बुद्धू, तो वो बोलेगा बेटा तुम्हारी बारी है, तुम बोल के दिखाओ. उसको हिम्मत अफजाई करेगा और बोलेगा नहीं नहीं शिफाली बोलो. पर अगर टीचर में ये समझ नहीं होगी तो वो बच्चा कैसे सीखेगा? दे विल लूज इंटरेस्ट इन द क्लास. एंड रियली स्पीकिंग, द लर्निंग डज नॉट हैपन इन द क्लास अलोन, बिल्कुल भी नहीं. हम हमेशा अपने बच्चों को बॉक्स में बिठा देते हैं. क्लासरूम इज़ अ बॉक्स, राइट? क्यों बिठाएंगे? बहुत सारी जिंदगी की लर्निंग आउटसाइड द बॉक्स होती है. हम अपने बच्चों को सिखा देंगे, ओहो ये चार डिब्बे हैं, इसी के अंदर तुमने कलर करना है और ब्लू करना है क्योंकि स्काई इज़ ब्लू. हाँ, स्काई इज़ ब्लू, आई एग्री विद यू. अरे वाह, ये तो राइम हो गया, स्काई इज़ ब्लू, आई एग्री विद यू. अरे वाह. सो बट एट द सेम टाइम, इफ़ आई वॉन्ट टू बी आर्टी, आई कैन मेक इट पिंक, राइट? माई स्काई कैन बी पिंक इज़ वेल. वाई डज इट हैव टू बी ब्लू? एंड आई लव यू. ये तो मैं राइम कर रही थी ना, इसलिए बोल दिया मैंने. सो आई थिंक वी शुड गिव आवर चिल्ड्रन दैट इंडिपेंडेंस, दैट फ्रीडम टू थिंक द वे दे वॉन्ट टू थिंक. प्लीज़ अपने बच्चों को अपनी चीज़ें मत थोपो, जीने दो अपनी ज़िंदगी, सोचने दो. हो सकता है आपकी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो एंड योर चाइल्ड इज़ मेंट टू बी डूइंग मच मोर देन व्हाट यू कैन थिंक. हमारी सोच लिमिटेड है, हमारे बच्चों की सोच बहुत आगे तक जाएगी, तो हम क्यों उनको अपने दायरों में रोकें? मुझे तो नहीं लगता हमको ऐसा करना चाहिए. वी शुड लेट देम ब्लॉसम, लेट देम ब्लूम, एंड दैट इज़ द ब्यूटी. और जब वो होता है ना अपने सामने, तो अंदाज़ा नहीं है कि कितनी खुशी हो सकती है हमें. मगर हमको लगता है कि हमको बांध के रखते हैं अपनी सोच के हिसाब से, वो गड़बड़ करते हैं. अब भाई, अगर कोई चीज़ समझो गुलाब है, रोज़, मैं उसको तो नहीं कह सकती नहीं नहीं तू डेजी बन के दिखा. अरे ये क्या मतलब? रोज़ इज़ अ रोज़ एंड अ डेजी इज़ अ डेजी. आई लव डेजीज़. हाँ,
वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स। पर हमारी सोच उनको रोक देती है, और अगर हम अपने बच्चों को बोलें कि प्लीज़ गो वाइल्ड, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू, यू विल रियली सी दैट रिजल्ट्स आर डिफरेंट। सारी ज़िंदगी हम उनको बोलते हैं थिंक इनसाइड द बॉक्स, एंड व्हेन दे ग्रो अप वी टेल देम थिंक आउटसाइड द बॉक्स। कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसलिए आज जो मेरा कहना था, ये क्लासरूम थिंकिंग, ये अपनापन, ये बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल, ये सब हमारे हाथ में है। सुबह से ये चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी, और फाइनली आई डिसाइडेड टू ट्रांसलेट इट इन दिस फैशन। आई सेड कुडंट बी बेटर। क्योंकि कोई चीज़ जो आपको परेशान करती है ना, उसमें ज़रूर कुछ होता है जो आपके सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार दिस इज़ अ टॉपिक आई रियली वॉन्ट टू लुक इन टू। अच्छा एक सेकेंड, इतने सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और मेरी देखो कितनी बदतमीज़ हूँ मैं, उनको हेलो तक नहीं बोल रही। ऑफ कोर्स, लेट मी टेक अ मिनट। हाँ जी, सो हाय वैशाली, हाय सुखी, आई एम गोना कॉल यू सुखी, तुम्हारा नाम में तो मैं रोज़ गड़बड़ कर देती हूँ। हाय आम्या, हाय अदिति फ्रॉम सिंगापुर, हाय डार्लिंग, हाय सहदेव, ओके हु एल्स, हे सायरा, हाय सायरा, हैप्पी एनिवर्सरी, ओके, हाय निदा, हाय अंकित, हाय अली, हाय निमी, ओके यस, हु एल्स, एम आई मिसिंग एनीबडी? नो, उससे पहले मैं बोल चुकी हूँ। सो मेरी बातें आज की जो थी ना, वो आज एजुकेशन रिलेटेड ही थी, और मुझे लगता है कि हमको जेन्युइनली ज़िंदगी से जितना कुछ सीखने को मिलता है, यही रियल क्लासरूम है। यहीं पे हम डिस्टिंग्विश करना सीखते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। इसमें भी बहुत डुअलिटी है। मेरे हिसाब से सच पूछो तो कोई चीज़ सही और गलत नहीं होती, इट इज़ द टाइम फ्रेम, नथिंग एल्स बट द टाइम फ्रेम। और जितना हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं, और मुझे नहीं लगता किसी और से सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स आई डू रिकमेंड लॉट ऑफ पीपल टू रीड अ लॉट, प्लीज़ डू, बहुत मदद मिलती है, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। पर जो ज़िंदगी सिखाती है उसका फ़लसफ़ा कुछ और ही है, कम्प्लीटली और है। यहाँ पे हमें चॉइस है कि जो चीज़ अगर हम गलत सीखें उसको हम सही भी कर सकते हैं, और जो सही करते हैं उसको बहुत सही भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं जो चीज़ हमें सूट ना करे। सो एट द एंड ऑफ द डे, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक लेसन है, मेरे हिसाब से एक लेसन है जिसको हम अपने हिसाब से रोज़मर्रा में लिख सकते हैं, नया चैप्टर, नई लाइन, नया पैरा। एंड वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी गेट एवरी डे अ न्यू डे टू राइट अ न्यू चैप्टर। जो चीज़ आपको पहले सूट नहीं करी उसको चेंज करो टू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। व्हाट डू वी हैव टू डू? टू यूज़ अ डिफरेंट टेक्निक, बिकॉज इफ़ वी यूज़ द सेम टेक्निक द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी द सेम। बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर रिजल्ट, योर रिजल्ट, सो प्लीज़ चेंज योर टेक्निक एंड यू विल रियलाइज़ यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट, प्रॉबली द रिजल्ट दैट यू desire. Please make sure that you should know what you really desire. वो भी बड़े गड़बड़े, वो भी बड़ा लोचा है। तुम्हें पता है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एक्चुअली पता ही ना हो तुम्हें क्या चाहिए, वो तो और भी गड़बड़े। जब रिजल्ट निकलेगा तुम कहो ओ इस रिपोर्ट कार्ड में मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी। मगर इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट।
वेरी इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है इससे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकती. ज़िंदगी जीने के लिए है और इसको अच्छे से जियो, द वे यू लाइक टू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू लर्न फ्रॉम इट एंड लर्न अनलर्न फ्रॉम इट एंड देन यू लर्न अगेन. सो आई विश एवरीबॉडी लॉट्स ऑफ लक कि ये यही तरीका है अपनी ज़िंदगी से सीखने का. और हाँ, अपना पराया कुछ नहीं होता. मेरे सच में अपने तो आप लोग हो जो मेरा वेट करते हो एवरी फ्राइडे, और मैं भी आपका वेट करती हूँ एवरी फ्राइडे और सोचती हूँ कि यार आज तो कुछ स्माइल शेयर करूँ, आज तो कुछ अपने दिल की बात करूँ, कुछ ऐसा कहूँ जो मैं कहना चाहती हूँ. और ऑब्वियसली बाय नाउ यू वुड हैव नोन, मैं तो वही कहती हूँ जो मेरा दिल चाहता है. आज तो सुबह 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 के आज थोड़ी देर पहले मैंने आपको गाना भी सुनाया क्योंकि मेरा दिल था. सो यही है चलती का नाम जिंदगी. सो आज मैं अपना जो भी मेरा ज्ञान है आज मैं यही ख़त्म करती हूँ. बट आई मस्ट से अ वेरी बिग हेलो टू अमित राजे एंड अ वेरी बिग हेलो टू, आई एम नॉट गोना कॉल यू मॉन्टी, मेरे लिए तुम भवनीश हो. हाय भवनीश. सो बहुत 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 सारा प्यार सबको. मेक योर ओन सनशाइन, एब्सोल्युटली सनशाइन एंड लॉट्स ऑफ लव. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे एज ऑलवेज. प्रॉमिस किया है तो आना तो पड़ेगा ही, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, गुड नाइट, इन्जॉय योर वीकेंड.